गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के मॉर्निंग में आप सबको मैं बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं 2019 में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, अगर आपकी 2018 के अंदर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या आप किसी भी पेपर के इंटरव्यू में रह चुके हैं, जी हाँ, तो आप सबको बताने वाला हूँ 2019 के अंदर जो सर्टन डिपार्टमेंट्स हैं कि जहां फिक्स हैं कि वैकेंसीज आएंगी तो आएंगी। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आउट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और ये वैकेंसीज कब कब आ सकती हैं। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से खुशखबरी, गुड न्यूज पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में आप में से जितने भी स्टूडेंट्स दिन और प्रतिदिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिलो दिमाग में एक ही बात है कि कहीं ना कहीं हमें किस सेक्टर में और क्या करें। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं अपना विजन थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिएगा। 2019 में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले बात करूंगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आर्ट और क्राफ्ट टीचर्स की वैकेंसी मैं अगर बात करूं तो यहां पर लगभग 2138 पोस्ट आपको बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 2019 के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सबके लिए। और इसके बाद में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे कि क्लरिकल, स्टेनो और स्टाफ नर्स और कोच अदर डॉक्टर्स हैं, इनके संबंधी टोटल 1137 वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं और इनका भी बहुत ही जल्दी आप सबको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइज, ये वैकेंसीज ऑफिशियली साइट पर अभी नहीं आ चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंटल ये वैकेंसीज पास हो चुकी हैं। और आप सबको मालूम होगा कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं आता है, और कौन नहीं चाहता यार चंडीगढ़ जॉब लेना। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि एजुकेशन के तौर पर, और आप सबको मालूम है कि यहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा किसी भी स्टेट से डिफरेंट रहता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, राइट, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो इसलिए आप सबको तैयारी शुरू पे अपनी जारी रखनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर आप तैयारी कर रहे हो तो दिन रात आप करते रहिएगा। जी हाँ, इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि जो कि आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की वैकेंसी हर साल आती है, और एज सून एज पॉसिबल इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला, और आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो डिग्री कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं बता सकता कि 300, 400, 500, क्योंकि अभी तक आरबीआई की एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 से 4 साल का रिव्यू है वो ये है कि 500 से लेकर 1000 के बीच में यहां वैकेंसीज आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जी हाँ, तो प्यारे बंधुओं, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके बाद में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए एक और है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर नॉन टेक्निकल जो एनटीपीसी है, लगभग इसमें 13,000 वैकेंसीज पास होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जी हाँ, और ये 12th बेस भी होंगी। इसमें क्या क्या होंगी, जैसे कि मैं अगर बात करूं टिकट कलेक्टर, ठीक है, टिकट क्लर्क की बात करें, इसके बाद में हो गया टीटीए। जी हाँ, यानी मैं आपको बताऊं कि जो टिकट चेकर होता है टीटी, राइट, हम उसको कहते हैं टीटीई। और इसके बाद में जैसे बात करें कि इसके अंदर से गुड्स गार्ड हो गए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए। जितने भी स्टूडेंट्स जय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर बहुत ज्यादा स्तर पर वैकेंसी पेंडिंग पड़ी थी। गवर्नमेंट पूर्ण तौर पर कंप्लीट तो नहीं कर पाएगी, लेकिन ये इनपुट्स निकल के आ रहे हैं कि लगभग 13,000 वैकेंसी बहुत जल्दी से आपको जो कि स्पेशल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, तो मेरे साथ आप सबने बहुत अच्छा समय दिया है और मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यूज लेके आया हूं आज के समय के अंदर। जी हाँ, और ये आज की अपकमिंग वैकेंसीज हैं, लगभग 13,000 आरआरबी के अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट में नॉन टेक्निकल पोस्ट होंगी,
कि आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट होंगी। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर लगभग 1137 वैकेंसी पास हो चुकी हैं और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2138 वैकेंसीज पास हो चुकी हैं। जी हाँ, अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम शेयर करके बता दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमें क्या पता वैकेंसीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको तैयारी करनी है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। गिल्ज मेंटोर आपको जैसा कि पहले पता है कि सबसे पहले आपको स्टिक इन्फॉर्मेशन देता है ताकि आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा जब ये ऑफिशियली साइट पर नोटिफिकेशन आ गया, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।